अगर तुम कोडिंग शुरू कर रहे हो बिना ये चीजें जाने तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मोस्ट लोग गलत तरीके से शुरू करते हैं एंड बीच में ही फ्रस्ट्रेट होके फिर छोड़ देते हैं। आज वाली वीडियो में मैं तुम्हें वो सारी मिस्टेक्स बताऊंगा जो जनरली बिगिनर्स करते हैं एंड वो मिस्टेक्स करने की वजह से वो डीमोटिवेट होकर फिर कोडिंग ही छोड़ देते हैं। ट्रस्ट मी, ये वाली वीडियो तुम्हारे लिए लाइफ सेवर होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना। अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय गाइस, आई एम निशांत, वेलकम बैक टू द चैनल, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से ये जरूर बता दो कि तुम्हारा कोडिंग में सबसे ज्यादा बड़ी स्ट्रगल कौन सी है एंड वीडियो के एंड में ये जरूर कमेंट कर देना कि इनमें से कौन सी मिस्टेक तुमने भी करी है एंड सबसे ज्यादा रिलेट कौन सी मिस्टेक से कर पाते हो। एंड मैं कमेंट सेक्शन में तुम्हारे एक्सपीरियंसेस पढ़ने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, तो जरूर कमेंट करना। एंड अब अपनी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर लर्निंग हाउ टू कोड, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वी हैव लॉन्च्ड आवर कोहोर्ट 5 ऑफ डीएसए। वी हैव ऑलरेडी टॉट अराउंड 5000 स्टूडेंट्स। काफी लोगों ने गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज क्रैक भी कर ली है एंड तुम्हें रिव्यूज देखने तुम वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, बहुत अमेजिंग रिव्यूज है, सुबेश काफी बढ़िया बढ़ाते हैं। तो यू कैन डेफिनेटली गो चेक आउट एंड एनरोल। 4500 का प्राइस है अभी इंक्लूडिंग जीएसटी, अलग से कुछ तुम्हें नहीं देना है एंड अर्ली बर्ड है, काफी जल्दी खत्म होने वाला है, तो जाके जल्दी से एनरोल कर लेना। एंड इफ यू वांट रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ ऑल द कोर्सेज, चाहे वो एलएलडी हो, डेवलपमेंट हो, तुम्हारे डेवऑप्स हो, बैक एंड फ्रंट एंड हो, डीएसए हो, कुछ भी हो, एल्गोप्रेप एक्स पे आप लोगों को मिल जाएगा, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिल जाएगा, तुम्हें क्वेश्चंस भी सेम प्लेटफॉर्म पे मिल रहे होंगे एंड इवन डेवलपमेंट के तुम प्रैक्टिस कर सकते हो प्रॉब्लम्स को, तो जल्दी से जाकर उसको भी चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को अपने स्टार्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक सबसे पहले जो लोग करते हैं वो करते हैं मेमोराइज कर लेते हैं चीजों को। कोडिंग में कोई भी चीज तुम्हें मेमोराइज नहीं करनी होती है, यू हैव टू लर्न थिंग्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड आप लोगों को बिल्कुल एंड तक जाना है कि भाई ये चीजें हो कैसे रही है एंड बस ऊपर से सिंटैक्स एंड सारी चीजें मेमोराइज नहीं करनी होती है। जैसे लूप्स हो गए, कंडीशंस हो गए, ब्रेक्स हो गए, इफ एल्स हो गए, ये सारी चीजें ना तुम्हें समझनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली होती क्यों है, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। जब एक बार ये सारी चीजें तुम सीख जाओगे ना तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू लाइक क्रिएट लॉजिक या फिर सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड द मेजर इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, तुम यहां से वो चीज सीख पाओगे। सेकंड मिस्टेक जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं, डू वन थिंग एट अ टाइम, डोंट डू मल्टीपल थिंग्स टुगेदर। मल्टीटास्किंग जैसी चीज नहीं चलती है व्हेन यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स। जनरली मोस्ट बिगिनर्स क्या करते हैं, आज मैं डीएसए पढ़ रहा हूं, कल मैं पाइथन पढ़ रहा हूं, परसों मेरे को C++ पढ़ना है, अब चलो मैं रिएक्ट सीख लेता हूं, कल मैं HTML सीख लूंगा, फिर JavaScript सीख लूंगा एंड इस चक्कर में कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। सिंपल सीधा स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपको डीएसए सीखना है तो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, पहले कोई एक लैंग्वेज सीखो, लैंग्वेज सीखने के बाद बेसिक सिंटैक्स सीखो, आप सिंटैक्स में सीख रहे होगे इफ एल्स क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, तुम्हारे लूप्स क्या होते हैं, सारी चीजें सीखने के बाद तुम एरेज पे जाओगे, स्ट्रिंग्स पे जाओगे एंड ऐसे करते करते तुम डीपी ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सीधा डीपी ग्राफ पे जाओगे तो कुछ भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। सिमिलरली अगर डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो पहले तुम HTML सीखोगे, JavaScript सीखोगे, CSS सीखोगे, बेसिक प्रोजेक्ट्स बनाओगे, उसके बाद रिएक्ट पे जंप करोगे, डायरेक्टली रिएक्ट पे जंप करोगे तो वो भी नहीं हो पाएगा, इसलिए स्ट्रक्चर्ड मैनर पे जाओ। और तुम्हें रिसोर्सेज चाहिए फ्री में कैसे सीखना है या फिर रोड मैप चाहिए तो आई बटन में 90 डेज रोड मैप आ रहा होगा डीएसए वाला, और उसके साथ साथ तुम्हें एक पूरा सारे फ्री रिसोर्सेज की लिस्ट भी मिल रही होगी जिसमें मैंने सारे रिसोर्सेज बताए। तो अगर डेवलपमेंट करना है तो वहां से फ्री में पढ़ सकते हो, क्लाउड का करना है, AI करना है, कुछ भी करना है तो फ्री के सारे रिसोर्सेज मैंने वहां पे लिस्ट कर रखे हैं, तुम वो भी देख सकते हो। थर्ड इज फाइंडिंग योर कोडिंग पेयर ग्रुप। अब जनरली हम कोई भी चीज अकेले कर रहे होते हैं ना तो हम जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जल्दी हम थक जाते हैं और करते नहीं है उसको काफी लॉन्ग टाइम तक। कोडिंग ऐसी चीज है जिसको आपको एटलीस्ट 6 से 1 साल तक कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना पड़ता है, आपको डाउट्स भी आएंगे, आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगे, वो सॉल्व भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ना जो तुम्हारे कोडिंग ग्रुप्स होते हैं, पेयर ग्रुप होता है ना, वो काफी ज्यादा काम आ जाता है। तो इसलिए अगर आप अच्छे कॉलेज में हो तो वहां पर अपने दोस्तों को पकड़ो, अगर आप अच्छे कॉलेज में नहीं हो तो डिस्कॉर्ड पर जाओ या फिर कोर्सेज ज्वाइन करो, कोर्सेज ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे तुम्हें एक लाइक माइंडेड पेयर ग्रुप मिल जाता है। डेफिनेटली चेक आउट Algoprep का कोहोर्ट 5 फॉर डीएसए, वहाँ पे तुम्हें लाइक माइंडेड पेयर ग्रुप मिल जाएगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी में तुम्हें ऐड कर दिया जाता है, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, आस्क योर डाउट्स एंड तुम्हें वहाँ पे डाउट सॉल्व करने के लिए लोग मिल जाएंगे। इसके साथ साथ तुम टीचर से, इंस्ट्रक्टर से डाउट्स अपने पूछ भी सकते हो एंड सारी चीजें तुम्हें बेसिक से सिखाई जाती है, कोई भी प्री रिक्विजिट्स नहीं होती है। बाकी लॉन्च वीडियो आई बटन में आ रही है, उसको देख सकते हो, तुम सारी चीजें समझ जाओगे। फोर्थ मिस्टेक होती है कि यार सब लोग ना बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछ रहे होते हैं। सो देयर इज नो बेस्ट कोडिंग लैंग्वेज, कोई ऐसी एक लैंग्वेज नहीं है जो बहुत अच्छी है। तो आप लोगों को किसी भी एक लैंग्वेज से शुरू करना है, आप लोगों को वो सीखना है, उसके बाद दूसरी लैंग्वेज सीखना ना काफी आसान हो जाता है। अब अलग अलग यूज केसेस के लिए ना अलग अलग लैंग्वेजेस अच्छी होती है। अगर तुम्हें वेब ऐप बनाना है तो JavaScript सीखनी ही पड़ेगी, बैक एंड फ्रंट एंड दोनों उसमें तुम लिख सकते हो। अगर तुम्हें मोबाइल ऐप बनाना है, iOS पे बनाना है, तुम्हें स्विफ्ट सीखनी पड़ेगी। अगर तुम्हें एंड्रॉइड के लिए बनाना है तुम्हें कॉटलिन और जावा दोनों सीखनी पड़ सकती है। अब जैसे फेसबुक पहले PHP पे बना हुआ था बैक एंड के लिए, उस पर बहुत ज्यादा तुम्हारा रिएक्ट यूज होता है, साथ साथ तुम्हारा JavaScript बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है। अब जो भी तुम्हें लैंग्वेज अच्छे से समझ आए, जो तुम्हारे लिए सीखना ईजी हो, उस लैंग्वेज से तुम्हें शुरू करना चाहिए, वो सबसे अच्छी लैंग्वेज होती है। सो इस चीज में मत पढ़ो, इस डिबेट में मत पढ़ो कि बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, कोई भी एक उठाओ उसको अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद फिर तुम जंप कर सकते हो दूसरी लैंग्वेज पे। फिफ्थ प्रॉब्लम जो आती है वो आती है ट्यूटोरियल हेल्थ। ये मैंने खुद फेस किया हुआ है एंड मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी फेस किया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, तुमने बहुत सारी ट्यूटोरियल्स देख ली हैं, तुमने 50-60 ट्यूटोरियल्स देख ली हैं, उनको देख के तुम्हें लगता है तुम्हें वो चीज आती है। फॉर एग्जांपल तुमने पाइथन सीखी, पाइथन के लिए तुमने पूरा ट्यूटोरियल देखा एंड फाइनली जब तुम्हें बोला गया, किसी दोस्त ने बोला कि यार कैलकुलेटर बना दे पाइथन से, तुम वो नहीं बना पाए। सो दिस इज कॉल्ड ट्यूटोरियल हेल्थ। तो जब भी कोई तुम चीज
नहीं सीख रहे होते हैं ना, तो उसके साथ साथ तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ट्राई टू मेक स्मॉल प्रोजेक्ट्स, मिनी प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर तुम एक वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो तुम एक एक्सपेंस ट्रैकर बना सकते हो। एक्सपेंस ट्रैकर क्या होता है, वो तुम्हें बता देगा तुमने कहां पे क्या खर्चा किया है। बेसिकली लोग एक्सेल शीट यूज करते हैं, तुम अपना खुद का ऐप बना सकते हो उसके लिए। सिक्स्थ इज प्लीज डोंट क्विट टू अर्ली। जनरली लोग क्या करते हैं, 10-15 दिन ट्राई करते हैं, एक महीना ट्राई कर लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। सब बिगिनर्स के साथ सेम प्रॉब्लम्स आती हैं। सब बिगिनर्स को शुरू में सीखना डिफिकल्ट होता है, एंड इट वॉज द सेम केस विद मी। उस टाइम पे लगता है कि कोडिंग इज नॉट फॉर यू, बट इट्स जस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तुम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे, जैसे जैसे चीजें ट्राई करते रहोगे, तुम उसमें बेटर होते रहोगे। तो डोंट लीव इट टू अर्ली, अपना पूरा मेहनत करो, ट्राई करो, चीजें सॉल्व करने का ट्राई करो, और चीजें अच्छे से होने लग जाएंगी। अब सिंपल एग्जांपल है, जब तुम जिम जाते हो तो एटलीस्ट 3 महीने से 6 महीने तक तुम्हें कोई चेंज नहीं दिखेगा अपनी बॉडी में। सिमिलर इज फॉर कोडिंग, जब तुम प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, शुरू के 3 महीने 6 महीने तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हें कुछ आता है कि नहीं आता है, बट वो एकदम से ग्राफ तुम्हारा पीक कर जाता है। स्लोली 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 फिर एक्सपोनेंशियल तुम्हें बहुत सारी चीजें अच्छे से आने लग जाती है, फिर से वो सेम चीज फॉलो हो रही होती है। तो जल्दी क्विट मत करो, प्रैक्टिस करते रहो, एंड यू लर्न क्वाइट इजीली। सेवंथ इज इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राई रन। अब जनरली जब भी आप कोई भी कोडिंग इंटरव्यू दे रहे होते हो, या फिर कोडिंग के क्वेश्चंस ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे होते हो, या फिर ऑनलाइन असेसमेंट दे रहे होते हो, तो ड्राई रन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप इंटरव्यूज दे रहे होगे ना, तो आपसे ड्राई रन करवाया जाएगा, तो आपको पता चलेगा आपकी गलतियां क्या है। और ऑन द स्पॉट जनरली लोग क्या करते हैं, जब आप लीड कोड पे प्रैक्टिस कर रहे होते हो ना, आप सबमिट 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 करते रहते हो, उससे आप सीख नहीं पाते अच्छे से। तो जब भी आप कोई भी कोड लिखो, जब भी आप कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचो, तो उसको ड्राई रन जरूर करके देखना चाहिए। जैसे एक सिंपल प्रॉब्लम है पैलिंड्रोम चेक, उसके लिए पेपर पे पूरा माइंड मैप बनाओ कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, एंड ऐसे हमारा सॉल्यूशन आ रहा होगा। उसको कोड में कन्वर्ट करना काफी इजी हो जाता है फिर। अब इससे तुम्हारे एरर्स बहुत ज्यादा सॉल्व होने लग जाएंगे, बहुत कम एरर्स आएंगे, इसके साथ साथ तुम सीख भी पाओगे कि तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी तुम्हारी कितनी ज्यादा डेवलप होती जा रही है। 8th इज पब्लिक लर्निंग बाय गिटहब और लिंक्डइन। अपनी लर्निंग्स को पब्लिक में शेयर करो। अगर आपने कोई एक गेम बनाया है तो गेम को शेयर किया आप, अगर आपने कोई अपना चैलेंज कंप्लीट किया तो उस चैलेंज को शेयर किया कि मैंने ये किया था, मेरा चैलेंज कंप्लीट हो गया है। कुछ भी चीज करो तो उसको गिटहब पे जरूर डालो, इसके साथ साथ लिंक्डइन पे पोस्ट भी करो, उससे काफी तुम्हें फायदा होता है। एंड अगर तुम ये वाली वीडियो यहां तक देख ही रहे हो तो पोस्ट कर सकते हो कि यार मैंने बहुत सारी चीजें नहीं सीखी हैं, लिंक्डइन पे तुम शेयर कर सकते हो कि निशांत भैया की ये वाली वीडियो बहुत अच्छी है, मेरे को भी अच्छा लगेगा, एंड आई विल बी मोटिवेटेड टू मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू गाइस। अब लिंक्डइन या गिटहब पे डालते रहना है, इससे तुम्हारा जो पोर्टफोलियो है वो काफी ज्यादा अच्छा स्ट्रांग बनता जाएगा। इससे तुम्हारा नेटवर्क बनाना भी काफी ईजी हो जाएगा। अगर तुम किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे तो तुम्हारी प्रोफाइल पे जाके देखेंगे, अरे ये लड़का तो कुछ ना कुछ करता है, लड़की ने अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, तो इट्स ईजियर टू मेक कनेक्शन एज वेल। 9th इज डेवलपिंग अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। अब प्रोग्रामिंग का असली मजा जब आता है, जब तुम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हो, ठीक है, बस सिंटैक्स को रट लेने से, लाइब्रेरीज को जान लेने से तुम असली कोडर नहीं बन पाओगे, असली प्रॉब्लम सॉल्वर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन पाओगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो लोग जनरली क्या करते हैं, बहुत सारी लाइब्रेरी सीख लेते हैं, बहुत सारे सिंटैक्स याद कर लेते हैं, बट उससे एक अच्छे प्रोग्रामर या अच्छे डेवलपर नहीं बन पाते हैं। आप लोगों को क्या करना है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे काम करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो, कैसे स्मॉलर प्रॉब्लम्स में उसको ब्रेक डाउन करके उनको सॉल्व कर सकते हो, ये सारी चीजें सीखनी है। एंड हर कोडिंग प्रॉब्लम को ना एक चैलेंज की तरह लो, उसको चैलेंज को छोटे चैलेंजेस में ब्रेक डाउन करो, एंड ट्राई करो उसको सॉल्व कैसे कर सकते हो। फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि डोंट रश। एक प्रोसेस है, प्रोसेस में टाइम लगता है, जैसे एक पेड़ को ग्रो होने में टाइम लगता है ना। बैम्बू अगर आप लोगों को पता हो तो शुरू के 5-6 साल तक तो बस जमीन के अंदर ही रहता है, उसके बाद ग्रो होना स्टार्ट होता है। सो इफ यू लर्न समथिंग न्यू इट विल टेक टाइम, डोंट बी लाइक यार मैंने आज करा कल हो जाना चाहिए। सिमिलर इज विद जिम, अगर तुम जिम जाते हो बॉडी बनाने का ट्राई करते हो तो तुमने थुल फैट गेन कर रखा है, तुम्हें लगता है यार मेरे को अब अपनी बॉडी बनानी है, तुम्हें एकदम से रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, इट विल टेक टाइम। बिल गेट्स ने काफी बढ़िया चीज कही है कि पीपल ओवर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन 1 ईयर एंड अंडर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन 10। तो ये सेम चीज कोडिंग में भी अप्लाई होती है, करियर में किसी चीज के लिए भी। 1 साल में हो सकता है तुम वो चीज ना कर पाओ, बट 10 साल में सोचो तो अगर तुम कंटिन्यूसली एक चीज में मेहनत करते रहोगे तो तुम कहां पहुंच सकते हो। अगर तुम्हें ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को बताना, लाइक जरूर कर देना वीडियो को, ठीक है, कमेंट कर देना तुम्हारा फेवरेट लर्निंग कौन सी थी इस वाले वीडियो में से। एंड यार कोडिंग एक मैराथन है, ठीक है, एक स्प्रिंट नहीं है, तुम्हें 100 मीटर जाके रुकना नहीं है, मैराथन है, पूरी तुम्हारी लाइफ में तुम्हें कोडिंग करते रहना अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पाथ चूज किया है। तो डरो मत, धीरे धीरे सीखो, गलतियां करो, गलतियों से सीखो एंड इंप्रूव योरसेल्फ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।